राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुए बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा के कत्ल के बाद ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। एक ओर जहां शुक्रवार को रिंकू शर्मा के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, तो वहीं शनिवार देर शाम को भी रिंकू शर्मा के लिए स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत कई हिंदू संगठनों ने एक मशाल जुलूस निकाला। ये मशाल जुलूस मंगोलपुरी के ब्लॉक स्थित रिंकू शर्मा के घर से होते हुए मंगोलपुरी इलाके की मुख्य सड़कों, गलियों और चौक चौराहे से होते हुए वापस रिंकू शर्मा के घर पर समाप्त हुआ। मशाल जुलूस में शामिल लोगों ने बताया कि इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को भी सौंप दी गई है। लोगों ने कहा कि फिलहाल वे लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस केस की तुरंत सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। हमारी 3 डिमांड है, SIT का गठन किया जाए, स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए, स्पेशल वकीलों का गठन किया जाए और 3 महीने के अंदर अंदर हत्यारों को फांसी दी जाए। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। ये जो पूरे लोग एकत्रित हुए हैं, ये मंगोलपुरी के भाई नीरज ठाकुर, हम सभी की 3 डिमांड है, SIT का गठन किया जाए, स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए, स्पेशल फोर्स का गठन किया जाए और 3 महीने में अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देकर फांसी दी जाए। बहरहाल इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। वहीं इस हत्याकांड के बाद से स्थानीय लोगों में अभी भी गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि आखिर रिंकू शर्मा को किस तरीके से इंसाफ मिलता है।